नमस्कार, जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबर की ओर। दशहरे की रात गढ़ा में युवक की धारदार हथियार से हत्या। जबलपुर में युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी। घटना गढ़ा थाना के एमपीईवी ऑफिस के पास रात 12 बजे की है। सुबह 5 बजे एम्बुलेंस घटना स्थल पहुंची, तब जाकर शव को मेडिकल कॉलेज पीएम के लिए भेजा जा सका। घटना के दौरान पुलिस चल समारोह की ड्यूटी पर थी। पुलिस के मुताबिक सूचना मिली थी कि एमपीवी ऑफिस के पास 28 से 30 साल के युवक का शव पड़ा हुआ है। पेट पर धारदार हथियार से हमले के निशान है। मृतक की शिनाख्त अब तक नहीं हो सकी है। बहरहाल पुलिस का कहना है कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही सारा मामला सामने आ पाएगा। वहीं पुलिस ने अज्ञात युवक की हत्या के मामले में अपराध दर्ज कर अज्ञात आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। भैया देखो डालियो। ये रात्रि 11:30 बजे के लगभग मेडिकल कॉलेज आईसीएमआर के पास जो है धक्का लगने के मामूली विवाद पर दो अज्ञात लोगों ने चाकू मारकर बिट्टू कुमार की हत्या कर दी, जो कारपेंटर का काम करता था। बेसिकली बिहार का रहने वाला, यहाँ तिलवारा थाना क्षेत्र में वर्तमान में रह रहा था। एक होटल में कारपेंटर का काम कर रहा था। इसमें तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने आरोपियों को चिन्हित कर लिया है और आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर लेंगे। इस्तीफा मंजूर होते ही निशा बांगड़े ने की चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पदस्थ रही डिप्टी कलेक्टर निशा बांगड़े का इस्तीफा स्वीकार किए जाने के बाद उन्होंने मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने का ऐलान किया। मंगलवार देर रात निशा ने सोशल मीडिया पर अपने समर्थकों को संदेश दिया कि वह चुनाव लड़ेंगी और जरूर लड़ेंगी। उन्होंने बताया कि वह बुधवार, गुरुवार या शुक्रवार, इन तीन दिनों को नामांकन दाखिल कर सकती हैं। निशा ने आगे लिखा कि लड़े हैं, जीते हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे। क्योंकि मैंने हमेशा से ही बताया कि लोकतंत्र का हिस्सा हम बनना चाहते हैं, विधायिका का हिस्सा बनना भी उसका एक पार्ट है, तो हम चुनाव तो लड़ेंगे। निश्चित तौर पे मैं नामांकन पत्र भरूंगी। मैंने पहले ही बहुत विस्तार से बताया कि मैंने जिस समय इस्तीफा दिया था उस समय मैंने कारण लिख के दिए थे कि मुझे मेरे मकान के उद्घाटन में जाने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। और जब मैंने पता किया इन 2-3 महीनों में, तो मुझे मालूम चला कि ये सब राजनीतिक कारणों से हो रहा है। मैं हमेशा से चाहती हूं कि इस देश में अच्छी व्यवस्था बनी रहे, और व्यवस्थाएं बनती है अधिकारियों से और हमारे जनप्रतिनिधियों से। अधिकारी रह के मैंने देख लिया, राजनीतिक मंशा अगर अच्छी हो तो अधिकारी भी अच्छा कार्य कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ये फैसला लिया कि अब मैं विधायिका में जाऊंगी और जो अन्याय मेरे साथ हुआ है उस अन्याय के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे, ताकि किसी और के साथ इस तरह का अन्याय ना हो। तो ये सब ग्रेजुअली हुआ है और आज हम जो है चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, क्योंकि मैं जहां पर मकान का उद्घाटन था वहां पर सर्वधर्म प्रार्थना होने जा रही थी, और चूंकि मैं उस क्षेत्र में पिछले 5 साल से हूं, मेरी पोस्टिंग वहां 2018 से 2021 के बीच में रही है, लोगों के बीच नहीं, आमला लोगों के बीच में रही हूं, जनता का स्नेह और प्यार मेरे साथ रहा है, तो लोगों ने ही मुझे एक ऑप्शन के तौर पे उस समय भी देखा था जब मैं वहां पर पदस्थ थी। इसीलिए मेरा ट्रांसफर फिर जगह जगह बार बार हो रहा था, क्योंकि वहां के जो माननीय थे उनको परेशान हो रही थी। तो यही कारण रहा था, लोगों ने तो उसी समय से एक जनप्रतिनिधि के रूप में मुझे चाहा था, लेकिन मैं उस निर्णय तक नहीं पहुंच पा रही थी, क्योंकि मेरा कोई पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं है इस तरह का। मैं सीख कर ही आगे बढ़ रही हूं, पढ़ लिख करके अधिकारी बने। अधिकारी रहते हुए मैंने देखा कि जिस स्वतंत्रता के साथ मैं काम करना चाह रही हूं, मुझे वो नहीं मिल पा रही है। और फिर हद तो तब हो गई जब मुझे मेरे घर के उद्घाटन में अनुमति नहीं दी गई, तो तभी मैंने अपना इस्तीफा दिया और ग्रेजुअली फिर हम यहाँ बढ़े। मैं किसी राजनीतिक दल से कभी जुड़ी। मारपीट कर 10,000 रुपयों की लूट। हनुमानताल थाना अंतर्गत एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई कि उसके घर में कुछ लोगों द्वारा तोड़फोड़ कर 10,000 रुपए की लूट की गई है, जो पैसे समूह की बहनों के रखे हुए थे। वहीं जब थाना हनुमानताल में इस बात की पुष्टि की गई, तो जानकारी में बताया गया कि यह मामला रुवीना व उसकी बड़ी माँ फरीदा के बीच पैसों के विवाद को लेकर हुआ है, जिसके विषय में पूछताछ की जा रही है। अभी मेरे को आ रहा है कोर्ट में, मैं क्या है तू तो आज बीमारी बता बता।
वीडियो सर। आई हम लोग सोते रहे जब से आई हैं और आई अंदर घुस गई हम लोग उसे कहती हैं हमारी मशीन और बिस्तर दो। हमारे घर से मशीन और बिस्तर ये लोग लेके गई हैं और थाने में हम लोग के खिलाफ रिपोर्ट डाल दी है। अब आके यहाँ मार धाड़ करती रही, मार धाड़ से नहीं जीती, पूरा हम लोगों का सामान फैला के और समूह का 10,000 रुपये लेके लोग गई हैं चुरा के। ये लोग टक्कर ग्राम की है नूरानी मस्जिद के पास। ये लोग हमारे घर में कब्जा जमाने आई थी मशीन लेके। हम लोगों ने थाने में हर चीज की शिकायत दी है। लूट हुआ है 10,000 का। ये पुराने समझौते और रिपोर्टों को देख करके और अभी की बात सुन करके ये समझ में आया कि इन ये जो महिला आई है हिना और इसकी बड़ी माँ फरीदा, इन दोनों के बीच कुछ रुपयों का लेन देन का विवाद पहले का था जिसमें आपस में कंप्रोमाइज हो गया है, लेकिन उन्हीं बातों को लेकर के फिर महिलाओं में आज भी विवाद हुआ है, उसी को थोड़ा यह बढ़ा चढ़ा करके पेश कर रही हैं। नहीं नहीं, पैसे की बात कोई नहीं आई है, तो सिर्फ गाली गलौज हुई है दोनों में, इनकी बड़ी माँ और इनके बीच में गाली गलौज की बात हुई है। मैं एसआई कनक सिंह बघेल थाना। दशमी के अवसर पर पुलिस लाइन जबलपुर में किया गया शस्त्र एवं वाहन पूजन। विजयदशमी के अवसर पर रक्षित केंद्र जबलपुर में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जबलपुर जोन जबलपुर श्री उमेश जोगा, पुलिस उप महानिरीक्षक जबलपुर रेंज जबलपुर श्री आर आर सिंह परिहार, कलेक्टर जबलपुर श्री सौरभ कुमार सुमन, पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री आदित्य प्रताप सिंह द्वारा विधि विधान से शस्त्र एवं वाहनों का पूजन किया गया। शस्त्र पूजा के उपरांत हर्ष फायर भी किया गया। पीछे कर यार। खबर और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़ जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।